हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सीसीटीवी का छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ये प्रॉब्लम जो एसडीडी नॉट फाउंड वाला प्रॉब्लम आता है, ये बहुत कॉमन है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एक जगह पे ये प्रॉब्लम देखा था और मैंने उसे सॉल्व किया था। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सो दोस्तों, हमारे पास ये एक सीसीटीवी का डीवीआर लगा हुआ है, प्राचीन काल का चाइनीज डीवीआर। इसमें ये एरर आ रहा है, एसडीडीज आर नॉट फाउंड। तो हम इसे कैसे फिक्स करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं काम। तो सबसे पहले तो हम इसका रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इसमें जो है सबसे इजी होता है कि हम इस एक बार इसको रीसेट करके देख लेते हैं। इसमें मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया, सेटअप पे गया, सो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, एसडीडी यहाँ पे बिल्कुल भी दिखा नहीं रहा है। आप देख सकते हैं एसडीडी मैनेजमेंट में एसडीडी है ही नहीं, एक भी एसडीडी नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही कंप्यूटर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें जो है हम इसको डीवीआर को खोल के देखेंगे इसके एसडीडी में क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्यों डिटेक्ट नहीं कर रहा है। एक बार इसको कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करेंगे, फिर जो है हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है। तो अभी मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ, शट डाउन। सो दोस्तों, डीवीआर के अंदर हार्ड डिस्क तो लगा हुआ है लेकिन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों हम एक बार इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये हमारा हार्ड डिस्क है, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया। जैसे कंप्यूटर में लगता है सेम इसमें भी लगता है। और इसको पावर केबल को भी हम यहाँ से एक बार निकाल देते हैं और एक बार यहाँ से भी निकाल देते हैं। तो इसको हम दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं। सो दोस्तों, हमने इसको दोबारा से कनेक्ट कर दिया है हार्ड डिस्क को। अभी देखते हैं, इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, अभी देखते हैं क्या होता है। इसको रिकनेक्ट करने हार्ड डिस्क को रिकनेक्ट करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें एसडीडीज आर नॉट फाउंड आ रहा है। चलिए इसको दोबारा से इसका पावर सप्लाई केबल चेंज करके देखते हैं। सप्लाई केबल है, चलिए मैं इसका जो दूसरा पावर सप्लाई केबल है वो वाला लगा देता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ और इसको लगा देता हूँ। मैंने दोस्तों दूसरा हार्ड डिस्क का केबल लगा दिया, अब देखते हैं क्या आता है। इसको रिकनेक्ट करने हार्ड डिस्क को रिकनेक्ट करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें एसडीडीज आर नॉट फाउंड आ रहा है। चलिए इसको दोबारा से इसका पावर सप्लाई केबल चेंज करके देखते हैं। सो दोस्तों, मेरे पास एक ये हार्ड डिस्क है वर्किंग और एक ये केबल है, तो मैं इसे भी लगा के देख लूँगा कि तो मुझे पता लग जाएगा कि वाकई में हमारी जो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है या डीवीआर में प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना हार्ड डिस्क भी लगा दिया, अपना वायर भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन अभी भी ये हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके डीवीआर में ही कुछ दिक्कत है। तो चलिए अब हम अपने हार्ड डिस्क को जो इसमें पहले से लगा हुआ था उसको भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे वो ठीक है या नहीं, फिर हमें डीवीआर पे काम करना होगा। सो दोस्तों, फाइनली जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया है। यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स थी, कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स ख़राब थे, हमने वो कंपोनेंट्स ठीक करा लिए लोकल मार्केट से और हमने हार्ड डिस्क चेंज कर दिया। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसकी हार्ड डिस्क भी ख़राब थी, साथ ही साथ इसकी डीवीआर भी ख़राब थी। तो इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम टूल एसडीडी मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हार्ड डिस्क यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। तो अब जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी इसमें रिकॉर्डिंग होगी। पहले प्रॉब्लम आ रहा था हार्ड एसडीडी नॉट फाउंड, अब वो प्रॉब्लम हट चुका है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो।